बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ दोस्तों। आईफोन 15 सीरीज के भी कुछ टाइम पहले लीक्स वगैरह सामने आया, पर ये पता चला था कि वहाँ पर हमें डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलने वाला है, साथ ही वहाँ पर आपको एक म्यूट स्विच वाला बटन भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस बार खबर ये आ रही कि इसको म्यूट बटन की जगह एक्शन बटन ही बोलने वाले, क्योंकि सिमिलर फंक्शन करने वाला जो एप्पल वॉच अल्ट्रा में हमें फीचर देखने को मिलता था। यू कैन कस्टमाइज द एक्शन बटन ऑन एप्पल वॉच अल्ट्रा इन द एप्पल वॉच ऐप ऑन योर आईफोन। टैप एक्शन बटन। Now tap the action menu and choose a new action for the button. चलिए आज इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं, तो फटाफट से हमारे आज इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं करो तो फटाफट क्लिक कर लो ये बात बहन के। हाँ तो अगर एक्शन बटन की बात करें तो इसमें आपको फंक्शन वगैरह किस टाइप से मिलने वाले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर इसमें आप जैसे कि अगर आप सिंगल क्लिक वगैरह करोगे ना तो आप इसको आराम से साइलेंट कर पाओगे, जो भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आप इसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, फ्लैश वगैरह चालू कर सकते हो, उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो सेटिंग के द्वारा। यहाँ पर ये ऑप्शन दोस्तों आपको कमाल का मिलने वाला है। और भी पता चल रहा है यहाँ पर आपको और भी कमाल कमाल के फीचर्स इसमें देखने को मिलने वाले, जैसे इमरजेंसी सोर्स वाला बटन भी यहाँ पर इसमें फीचर हो सकता है ऐसा बताया जा रहा है। फिर तो आने वाले टाइम में पता चलने वाले कि इसमें क्या कुछ हमें फीचर्स वगैरह आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही जो डायनेमिक आइलैंड इसमें हमें देखने को मिलने वाले, इसमें भी हमें थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेटी सेंसर डायनेमिक आइलैंड में आता हुआ देखने को मिलने वाला है इस बार आईफोन 15 में। वैसे आईफोन 14 में भी था, लेकिन ये जो सेंसर था ना यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड के अंदर नहीं था, ये डिस्प्ले के अंदर था, बिल्कुल डायनेमिक आइलैंड का थोड़ा बहुत नीचे डिस्प्ले के अंदर था। इससे यहाँ पर लोग काफ़ी इश्यूज वगैरह होते हैं यहाँ पर कॉलिंग के दौरान, इसलिए यहाँ पर इसको चेंज करके यहाँ पर कंपनी इसको अप्रॉक्सीमेटी सेंसर को डायनेमिक आइलैंड में डालने वाली, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, काफ़ी बड़े तरीके से यहाँ पर ये काम करके देने वाला है। और डिटेल की बात करें तो पता चल रही है यहाँ पर सैमसंग ने आपस की ओलेड डिस्प्ले यहाँ पर इस बार भी आईफोन को सप्लाई करने वाली है, और पता जा रहा है कि इनकी जो भी डील वगैरह होगी उससे एक महीने पर इसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू होने वाला है। दोस्तों काफ़ी बढ़िया होने वाली है, यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल की डिस्प्ले में आते हुए देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप भी आईफोन 15 सीरीज का इंतजार करें, नीचे कम से कम लेकर जो बता दीजिए, पहले सप्तम्बर के महीने में लॉन्च होने वाला है। हम भी देख लेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।